हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिससे आप सभी का एक रिक्वेस्ट था, MMR 1961 के ऊपर एक MCQ होना चाहिए। हमने अभी MMR 1961 का 40 MCQ क्वेश्चन रेडी किया हुआ है। इसलिए हम नहीं बना रहे थे क्योंकि इसका 2019 का ड्राफ्ट ऑलरेडी बन चुका है। ये बात मैंने पहले से बोला हुआ है। फिर भी जैसे कि अभी एग्जाम कुछ बाकी है, सभी का रिक्वेस्ट है, इसलिए हम इसको बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें मैंने दो क्वेश्चंस का आंसर छोड़ा हूँ, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ताकि मुझे पता चले आप लोग वीडियो को लास्ट एंड तक देख रहे हैं। एक नंबर क्वेश्चंस का मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि इसका आंसर सी होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आंसर डी हो गया है। रेगुलेशंस मे बी कॉल्ड द मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशंस 1961। रेगुलेशन मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 को 1961 रेगुलेशन बोला जाता है। एक्ट मीन्स द माइंस एक्ट 1952, ये आप सभी को पता है। एक्ट 1952, रूल 1955, रेगुलेशन 1961। इसमें आपका ऐड हो जाएगा वोकेशनल बीटी ट्रेनिंग रूल, इलेक्ट्रिसिटी रूल, माइन रेस्क्यू रूल, ये सब क्रेच रूल, ये सब आपने जरूर देखिएगा क्योंकि हमने एक क्रेच रूल के ऊपर अभी वीडियो बनाएंगे। दैट मीन्स ए पर्सन प्रोसेसिंग ए मैनेजर सर्टिफिकेट अपॉइंटेड इन रिटिंग बाई द ओनर एजेंट और मैनेजर इन कंट्रोल मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द माइन और पार्ट दे आर ऑफ एंड हु टेक्स रैंक इमीडिएटली बिलो द मैनेजर। इसका आंसर ए है। एक असिस्टेंट मैनेजर को ओनर एजेंट और फर्स्ट क्लास मैनेजर उनको नियोजित करेंगे, उनको लिखित आकार के हिसाब से उनको जिस मैच में उनको नियोजित करेंगे या जिस एरिया में उनको नियोजित करेंगे उस एरिया का वो डायरेक्शन एंड कंट्रोल और मैनेजमेंट वो खुद करेंगे। और कुछ इंसिडेंट अगर उनके पीरियड में हो जाता है तो उनका वो खुद जवाबदार रहेंगे। तो इनका आंसर असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, आंसर ए। डैश मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिंटेंडेंट द लोअर एंड राइजिंग ऑफ पर्सन टूल्स एंड डू मटेरियल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स एट द टॉप ऑफ शाफ्ट और रेंज। इसमें क्या बोला जाता है, एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो मटेरियल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको सिग्नल देने के लिए कौन रहता है। इसका आंसर है सी, बैंक्समैन। आप सभी को इसका PDF मिल जाएगा क्योंकि PDF हमारे पास अवेलेबल है। कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिलेशन टू एनी वर्क और एनी मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट मीन्स ए पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ एंड हु हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द मैनेजर। एक कॉम्पिटेंट पर्सन का एज आंसर है 20 ईयर्स। कॉम्पिटेंट पर्सन का एज कितना है उसका आंसर है 20 ईयर्स एज होना चाहिए। एक उनको मैनेजर अपॉइंटमेंट करेंगे, उनको कोई मशीनरी और प्लांट में जिस एरिया में उनको ड्यूटी दिया जाएगा वो ड्यूटी करेंगे। वो रेगुलेशन 42 के ऊपर आधारित है। ब्लास्टर मीन्स ए पर्सन पोस्टिंग ए मैनेजर फॉरमैन मेट्स और ब्लास्टर सर्टिफिकेट एंड अपॉइंटेड बाय द रेटिंग टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ए ब्लास्टर अंडर द रेगुलेशन एंड इंक्लूड्स ए सॉफ्टवेयर। इसका आंसर ए है। इसमें क्या बोला जाता है इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि एक मैनेजर वो ब्लास्टर का काम भी कर सकते हैं, मेट का भी काम कर सकते हैं, फॉरमैन का भी काम कर सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर का भी काम कर सकते हैं। वो इनमें से ये जो उनका सर्टिफिकेट जो रहता है, जैसे एक मेट का, वो फोरमैन का,
एक असिस्टेंट मैनेजर, एक मैनेजर, फर्स्ट का मैनेजर वो ब्लास्टिंग कर सकता है, जैसे कि एक मैनेजर भी मेट का ड्यूटी कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ब्लास्टर का ड्यूटी मेट भी कर सकता है, एक फर्स्ट क्लास मैनेजर भी कर सकता है, असिस्टेंट मैनेजर भी कर सकता है। और ये चीज़ आपको याद रख लीजिए, क्योंकि ब्लास्टर कॉम्पिटेंट पर्सन में नहीं आता है। द पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट द राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द पर्सन टूल मटेरियल्स एंड द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल एट एनी लैंडिंग। लैंडिंग के टाइम में मटेरियल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको, लैंडिंग के टाइम में उनको कौन सिग्नल देता है? आंसर है सी, बेलमैन। कमिटी मीन्स ए कमिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन ऑफ द एक्ट। आंसर है 12। और 12 का अंदर रेगुलर 12 के हिसाब से उनको गठित किया जाता है। हु इज वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच द माइन इज सिचुएटेड। इसका आंसर है सी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से उनको किया जाएगा। एक्सक्लूसिव शैल हैव द सेम मीनिंग एज इज असाइन टू दैट टर्म इन द इंडियन एक्सक्लूसिव एक्ट। जैसे कि माइंस एक्ट 1952 है, रूल 1955 है, रेगुलेशन 1961 है, वोकेशनल ट्रेनिंग 1966 है, इसी तरह आपका एक्सक्लूसिव का एक्ट कितना होना चाहिए? 1884 है होना चाहिए। आंसर बी। फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और द इन वाई एंड एंड एनी ड्राइव लेवल क्रॉस कट राइज और विंच। ये आपको पता होगा, क्योंकि मूविंग फ्रंट एनी वर्किंग प्लेस के एरिया में वो उसको फेस कहा जाता है। लैंडिंग मीन्स फ्लोर और प्लेटफॉर्म इन विंच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीनरी? मीनिंग मशीनरी का मीनिंग क्या होता है? ये में लिखा क्या है? एनी लोकोमोटिव और एनी स्टेशनरी और पोर्टेबल इंजन, एयर कंप्रेसर, बॉयलर और स्टीम अपरेटस, स्विच, चेयर, इन ये सब जो लिखा है ये सब उसके अंदर में, मतलब इसके अंदर में सारे के सारे आएगा। एनी सच ऑपरेटर सब रिलेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑपरेशंस इंटेंडेड फॉर द डेवलपिंग स्टोरिंग ट्रांसमिशन एंड कन्वर्टिंग ऑफ द यूटिलाइजेशन इमरजेंसी व्हिच इज योर एनी सच ऑपरेटर इज वन फॉर डेवलप्ड द स्टोरेड ट्रांसमिटेड कोवर्टेड और यूटिलाइज्ड देयर बाय इज यूज इंटेंडेड फॉर यूज इन द कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग ऑपरेशन में जितने भी इस सारे के सारे जो पॉइंट है ये माइनिंग मशीनरी का मीनिंग में आता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको इसमें से कोई एक सवाल दे देगा और बाकी सारा आउट से आएगा, तो इनमें से आप सभी को इसका सही आंसर चुनना है। इसका पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डैश ऑफ द माइंस। मैनेजर आंसर है सी, डायरेक्शन। एक मैनेजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? मैनेजमेंट होता है, सुपरविजन रहता है, कंट्रोल रहता है और डायरेक्शन भी होना चाहिए एक माइंस के अंदर। तो पर्सन प्रोसेसिंग ए मैनेजर और फॉरमैन सर्टिफिकेट एंड अपॉइंटेड बाय द मैनेजर इन रेटिंग राइटिंग अंडर एनी डिजिग्नेशन व्हाट्सएवर द परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन और कंट्रोल इन माइन और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूड्स ए शिफ्ट वर्स इज नो एज। आंसर सी है, माइन फॉरमैन। एक माइनिंग फॉरमैन के एक मैनेजर उनको नियुक्त करेंगे, वो माइंस का जिस एरिया में उनको दिया जाएगा वो एरिया का वो खुद जवाबदार रहेंगे। उनका जो एक्ट और रेगुलेशन
को वो काम में वो फॉलो करेंगे, उनका कॉम्पिटेंट पर्सन जितना रहेंगे वो फॉरमैन के अंडर में काम करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है एक फॉरमैन का ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन 46 में आधारित है। डैश मीन्स द फेल्योर टू एक्सप्लोड ऑफ एन एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन ए शॉर्ट होल। इसका आंसर है मिसफायर। आप सभी को पता है मिसफायर कैसे होता है, मिसफायर होने का कारण क्या है। मिसफायर होने का बहुत कारण है, जैसे कि आपका एक्सप्लोडर आपका ख़राब होगा, इस कारण से मिसफायर हो सकता है। आपका एक्सप्लोसिव जो बारूद जो यूज करते हैं वो बारूद का ख़राब होने के कारण मिसफायर हो सकता है। उसके बाद हम लोगों का जो स्टेमिंग करने का टाइम अगर कहीं लीड कट हो जाता है तो मिसफायर होने का चांसेस है। अगर आपका केबल कट हो जाता है तो उसमें से हम लोगों का मिसफायर होने का चांसेस रहता है। और इसको क्लियर कैसे करेंगे, मिसफायर को रेगुलेशन 167 को फॉलो करके उसको क्लियर किया जाएगा। रेलवे मीन्स रेलवे एस डिफाइंड इन द इंडियन एक्ट रेलवेस सॉरी इन द इंडियन रेलवेस एक्ट 1890। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग उनका एक्ट 1952 है, एम ए 1961 है, इसी तरह रेलवे का एक्ट 1890 है। आंसर ए। व्हाट मीन्स एनी स्ट्रीम और करंट ऑफ वाटर, वेदर सीजनल और रेनिनल एंड इंड्यूस इट्स बैंक एक्सीडिंग अप टू हाइस्ट नो फ्लड लेवल। आंसर डी रीजनल इंस्पेक्टर। तो बताएंगे ये जैसे उनका एचपील में हुआ है, एचपील मतलब हाइस्ट फ्लड लेवल। इसका पीडीएफ हमारे पास ऑलरेडी है। ए पर्सन अपॉइंटेड टू ट्रांसमिट सिग्नल इज नोन एज। आंसर है बी सिग्नल में लोग सिग्नल देता है। डैश मीन्स ए शॉर्ट होल और पार्ट ऑफ ए शॉर्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज्ड विथ एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टेड एंड व्हिच इज नॉट ए मिसफायर शॉर्ट होल। जैसे कि सॉकेट क्या होता है, आप सभी को पता है ब्लास्टिंग होने के बाद होल का कुछ अंश संपूर्ण के हिसाब से ब्लास्टिंग नहीं हो पाता है और इसका सॉकेट बोला जाता है। अगर होल में एक्सप्लोसिव अगर रहता है कंफर्म हो जाते हैं तो वो मिसफायर में आ जाता है। एनी प्लेस इन ए माइंड टू विच एनी पर्सन हैज लो पल्स इज नोन एज वर्किंग प्लेस बोला जाता है। एनी प्लेस जहाँ पर कानून के हिसाब से काम होता है, लो फुल के हिसाब से कानून के हिसाब से जहाँ पर काम होता है, जहाँ पर 20 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पे वर्किंग प्लेस, उस जगह को वर्किंग प्लेस बोला जाता है। नोटिस ऑफ ओपनिंग कॉन्स अंडर ऑफ एम आर 1961 बाई सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट शैल बी सबमिटेड इन फॉर्म आई ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। नोटिस ऑफ ओपनिंग का फॉर्म रेगुलेशन 3 के अंदर में वो भेजते हैं। इसका आंसर 3 है, ये शेड्यूल जो है। नो पर्सन शैल एक्ट और टू बी अपॉइंटेड एज मैनेजर और मोर देन वन मंथ एक्सेप्ट विथ द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द CIM एंड द परमिशन शैल हैव इफेक्ट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 12 months। इसका आंसर रहेगा 12 months के अंदर एक मैनेजर बढ़ा सकते हैं।
व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजर इफ द माइन इज प्रोडक्शन 3000 टन पर मंथ। जिस माइन्स में 3000 टन पर मंथ प्रोडक्शन किया जाता है तब वहाँ पर एक फर्स्ट क्लास मैनेजर रहेंगे। इसका आंसर बी है, फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर एंड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, इनका आंसर बी है। ए में क्या है, इसका आंसर जहाँ पर 3000 पर मंथ प्रोडक्शन होता होगा। नो मैनेजर सेल वैकेट हिज ऑफिस विदाउट गिविंग ड्यू नोटिस इन राइटिंग टू द ओनर और एजेंट एटलीस्ट डैश बिफोर द डे ऑन व्हिच ही विच वैकेट टू हिज ऑफिस। आंसर है डी। इनमें से क्या बोलता है कि कोई अगर मैनेजर वो अपना जॉब वो छोड़ते हैं तो वो 30 डेज पहले वो इन्फॉर्म करेंगे। द ओनर और एजेंट शैल प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर द मैनेजर विद इन ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ऑल माइन ओपनिंग्स 5 किलोमीटर के अंदर। ओनर एजेंट और मैनेजर माइंस मैनेजर को अकोमोडेशन रहने का व्यवस्था करेंगे। इन एवरी माइन द एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ व्हिच एक्सीड एटलीस्ट डैश द मैनेजर शैल बी असिस्ट इन द वर्क बाय असिस्टेंट मैनेजर। आंसर डी है। हर माइंस का एवरेज 7000 टन अगर प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे एक असिस्टेंट मैनेजर भी नियुक्त किया जाएगा। इफ द माइन मंथली आउटपुट इज 18,000 टन देन द नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायर इज, जहाँ पर 18,000 टन प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे कितना मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर नियुक्त होंगे। इसका आंसर है आंसर सी, 3 मैनेजर रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस का आंसर आपने बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को लास्ट एंड तक देख रहे हैं। मैनेजर ऑफ वन अपन कास्ट माइन सेल एक्सरसाइज पर्सनल सुपरविजन ऑफ आर्ट माइन एट लास्ट डेस्ट इज इन वीक। ओपन कास्ट माइंस में एक मैनेजर एक वीक में कितने बार वो इंस्पेक्शन करेंगे, और ये भी आपको पता करना है कि अंडरग्राउंड माइंस में एक माइंस मैनेजर कितना दिन वो एक वीक में कितना दिन वो इंस्पेक्शन करेंगे, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक तो लास्ट में हम लिखे हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट इज देयर इन रेगुलेशन नंबर 37 ऑफ MoA 1961। रेगुलेशन 37 वो क्या, उसमें क्या आता है। आंसर है बी, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स। ये सब क्वेश्चन आता है रेगुलेशन अपॉइंटमेंट ऑफ एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल और रेगुलेशन 37 में आता है। व्हाट इज देयर इन रेगुलेशन अबाउट 111 ऑफ MoA 1961। 111 क्या होता है रेगुलेशन, वो वर्किंग नियर माइन बाउंड्री। आंसर ए है। वर्किंग नियर माइन बाउंड्री क्या होता है, वर्किंग नियर माइन बाउंड्री ओनर एजेंट मैनेजर उनका माइंस का लीज बाउंड्री उनको वो फिक्स रखेंगे। उनका सेफ्टी जोन पिलर 7.5 मीटर के हिसाब से वो मेंटेन करेंगे। और 111 आपने आराम से जो हम बता रहे थे अभी उसका आंसर ये पे ये आ गया कि 7.5 मीटर के हिसाब से वो उनका जो बाउंड्री 7.5 मीटर के हिसाब से रहेगा। प्रिकेशन अगेंस्ट डस्ट कम अंडर व्हिच रेगुलेशन नंबर 1961। डस्ट के ऊपर प्रिकेशन रेगुलेशन नंबर कितने में आता है, रेगुलेशन 124 में आता है। जनरल लाइटिंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग कम्स अंडर रेगुलेशन नंबर डैश रेगुलेशन नंबर ऑफ MoA 1961 में वो आता है।
जनरल लाइटिंग और स्टैंडर्ड लाइटिंग रेगुलेशन कितने में आता है? 146 एंड 148 के अंदर में वो आता है, आंसर डी है इसका। ये पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, अगर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ड्रिलिंग चार्जिंग स्टेमिंग एंड फायरिंग ऑफ शटल कम्स अंडर व्हिच रेगुलेशन नंबर 162। जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग चार्जिंग कैसे करते हैं, तो आपने रेगुलेशन को ऐड करके बताइएगा कोई भी आंसर। आंसर है 162। व्हाट इज रेगुलेशन नंबर 169 एज पर रिमेंबर 1961। रेगुलेशन 169 क्या है? इसका आंसर है डी, ड्यूटीज ऑफ ब्लास्टर एट द एंड ऑफ शिफ्ट। एक ब्लास्टर का शिफ्ट जब एंड होता है वो रेगुलेशन 169 होता है। एवरी फेंस इरेक्टेड ऑन द सरफेस शैल वंस एटलीस्ट डैश इन एवरी बी एग्जामाइंड बाई ए कॉम्पिटेंट पर्सन। आंसर डी। प्रत्येक फेंसिंग जहाँ पर आपका सरफेस में रहता है वहाँ पे एक कॉम्पिटेंट पर्सन वीक में एक बार वो जाके इंस्पेक्शन करेंगे। यूज सप्लाई एंड मेंटेनेंस द प्रोटेक्टिव फुटवेयर शैल बी सप्लाइड बाय ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन। जो आपका माइंस में आपने फुटवेयर सेफ्टी शूज वगैरह आपने जो पहनते हैं ओनर एजेंट मैनेजर वो सप्लाई फ्री में करेंगे, फ्री ऑफ चार्ज। उसका कोई भी पीपी का आपका उसमें पैसा नहीं लगेगा। आर्ट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर में एक बार मिलेगा। टू बी रिप्लेस इफ डैमेज, अगर डैमेज हो जाता है तो उसमें भी मेरे उसको मिलेगा। अरेंजमेंट्स फॉर क्लीनिंग ऑफ प्रोटेक्टिव फुटवेयर, वो उसको क्लीनिंग करवाने का भी उनको ये करा जाएगा। दो ऑपरेटर्स अंडर प्रेशर शैल बी सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिक टेस्टिंग वंस एटलीस्ट एवरी 3 ईयर्स। जहाँ पर हाइड्रोलिक का मशीन काम होता है, जिसमें काम होता है, उस हाइड्रोलिक ऑपरेटर्स का 3 ईयर में एक बार उसको चेकिंग होना चाहिए। फीस ऑफ ग्रांट ऑफ माइनिंग में सर्टिफिकेट इज आर एस 20-30 रुपीज़। एक माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट जो रिन्यूअल होता है उसका फी 30 रुपीज़ होता है। तो दोस्तों पोजिशन ऑफ रिजर्व स्टेशन इन ए माइन इज फिक्स्ड बाय माइंस में रिजर्व स्टेशन कौन फिक्स करता है? आंसर है बी, माइंस का मैनेजर फिक्स करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको पीडीएफ अगर ये चाहिए तो आपको हम व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। थैंक यू।